हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये पीसीबी न्यू पीसीबी है, ठीक है। ये जो मार्केट का जो चाइना किट कहा जाता है, तो एक टेक्नीशियन ये पीसीबी न्यू लेके आए और वो फिटिंग्स करने का समय ये जो जैक देखिए, ये जो सेंसर का जो वायर होता है कनेक्शन पॉइंट, ये चेंज किया। ये जो पॉइंट को वो चेंज किया, ठीक है। चेंज करने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये सेंसर लगाया। सेंसर लगाने के बाद और वो बताया कि ये पीसीबी का कुछ फॉल्ट है, लगता है उसका आईसी का फॉल्ट है। तो सेंसर ये काम नहीं कर रहा है, रिमोट दबाने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए, इसका ऊपर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, ये जो पॉइंट है, एक्चुअली ये जो पॉइंट वो लगाया कि ये अलग सा ये पॉइंट लगाया, ठीक है। तो मेनली ये पीसीबी के साथ जो आयर सेंसर पॉइंट और जो की पॉइंट इसका अंदर ये कॉम्पैक्ट है, इस तरह ये मिलता है, ठीक है। और इसका जो जैक पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कितना पॉइंट है, पांचों पॉइंट है, लेकिन मेन कनेक्शन तीन पॉइंट का, ठीक है। और ये सॉकेट यहाँ से वो आउट कर दिया। अब अच्छा करके देखिए, आउट करने के बाद इस तरह जो सॉकेट मिलता है वो नहीं लगाया। तो हो सकता है कुछ भी रीजन से वो ये इस तरह चेंज करके ये सॉकेट लगाया, और सॉकेट लगाने के बाद इस तरह ये जो न्यू जो आयर पॉइंट है ये लगाया। तो लगाने के बाद सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो क्या लगा था, इसका आईसी फॉल्ट है क्या? तो चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा इसका फॉल्ट मेनली क्या है। तो इसीलिए मैं ए पी सी बी को मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर सेट करके ही रखा है, और आपका सामने मैं सप्लाई दे के देखूँगा, ठीक है। मैं ये इसका ओरिजिनल मैं साइड काट देता हूँ, क्योंकि मैं ये पीसी बहुत मैं लगाया और इसलिए ये स्टॉक मेरा पास रह गया। तो चलिए, मैं उसका साथ वो जो पीसीबी का साथ भेजा, ये जो आईआर सेंसर का पॉइंट है और इसका साथ इंडिकेटर भी है, तो ऐसे ही मैं देखाऊंगा इसका फॉल्ट किस तरह आता है, ठीक है। तो आपको वोल्टेज भी देखाऊंगा, तो इसीलिए मीटर को मैं सिलेक्ट करके रखा है 200 DC रेंज पर, ठीक है। और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में ये पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सीरीज लाइट से सब कुछ टेस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं सप्लाई दे दिया। और देखिए, इसका इंडिकेटर ऑन है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, इसका इंडिकेटर ऑन है, ठीक है। और देखिए, स्क्रीन का ऊपर लाइट है, ठीक है। पिक्चर देखिए चालू है। और देखिए, मेरे पास ये जो रिमोट है, फर्स्ट रिमोट को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, सॉरी, देखिए रिमोट काम कर रहा है। ये मेनू बॉटम, ये चैनल माइनस, चैनल प्लस, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये काम कर रहा है। तो देखिए, ये जो सेंसर है, मैं मेनू बॉटम दबाता हूँ। देखिए, दबाने के बाद आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं लाइट ऑफ कर दिया क्योंकि क्लियर नहीं देखा जाता था, इसलिए। देखिए, मैं रिमोट का मेनू बटन दबाता हूँ। देखिए, दबाने के बाद देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए, ये रिमोट ओके है। तो क्या फॉल्ट है? तो इसका वोल्टेज आपको फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, ये जो आयर का पॉइंट है। तो दोस्तों देखिए, ये आयर का पॉइंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज देखिए 4.3 वोल्ट के आसपास। अब ध्यान दीजिए ये पॉइंट पर, और ये 5 वोल्ट का पॉइंट है जो सेंसर पर 5 वोल्ट जाता है। देखिए 5 वोल्ट ओके है, और दोस्तों ये ग्राउंड पॉइंट है, तो और क्या फॉल्ट है? तो ये सेंसर भी फॉल्ट हो सकता है क्या? तो दोस्तों चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेंसर फॉल्ट होगा तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आईसी खराब होगा तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं ये मोबाइल को स्टैंड पर रख के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं पीसीबी पर ये सप्लाई देख के रखा है, ये पीसीबी चालू कंडीशन पर है। और आपको क्या देखा है फर्स्ट टाइम, देखिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। तो आप ये पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मीटर पर, ठीक है। देखिए, इसका अंदर इसका मिडिल पिन पर 5 वोल्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी सेंसर काम नहीं करेगा, रिमोट भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये आईआर का पॉइंट है, ये जो आईआर का पॉइंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये नीचे साइड, ये आईआर का पॉइंट है। तो दोस्तों, ये जो आईआर पॉइंट है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है, देखिए 4.3 वोल्ट, ठीक है।
और ये जो कनेक्शन होता है, ये जो आईसी का 64 नंबर पिन, ये स्टैंड बाई पिन, और इसका ऊपर ये जो पिन है ये आईआर का आईआर पॉइंट है, ठीक है, आईसी का। यहाँ पर सिग्नल आता है, जब आप जिस टाइम रिमोट दबाते हो, रिमोट दबाने का बाद ये पिन पर सिग्नल आता है, और ये पिन पर सिग्नल जब आएगा तब ये प्रोसेसर आईसी ये ऑपरेटिंग होगा, आप जो कमांड देगा रिमोट से तो उसी हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ये सेंसर ओके है कि नहीं है ये आप कन्फर्म कर सकते हो किसी तरह। देखिए मैं ये सेंसर के यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, और ये रिमोट लेकर आपको कुछ भी बॉटम रिमोट पर दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो और रिमोट पर दबाने का साथ साथ सॉरी सेंसर पर दबाने का साथ साथ, ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। देखिए ये जो आईआर पॉइंट है यहाँ पर आप फॉलो कीजिए, ये आईआर पॉइंट पर मैं ये टच करके रखा है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए कितना वोल्ट है, 4.4 वोल्ट। जब आप रिमोट लेके, ठीक है, रिमोट लेके यहाँ पर दबाएगा, देखिए आप सुन सकते हो रिमोट कैचर से साउंड आता है, लेकिन ये आईआर पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज फैक्चुरेट नहीं देखा जाता है, आप ध्यान दीजिए। मैं रिमोट दबाता हूँ और देखिए आईआर पिन पर कुछ भी वोल्टेज फैक्चुरेट नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों क्या बात है, आप ध्यान दीजिए, आईआर पिन पर कुछ भी वोल्टेज फैक्चुरेट नहीं देखा जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, मैं सप्लाई को ऑफ किया। तो दोस्तों जब ये आईआर पिन पर मीटर रखे आप टच कीजिए और मीटर पर फॉलो कीजिए कि कुछ भी वोल्टेज फैक्चुरेट नहीं होगा रिमोट दबाने के बाद, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो सेंसर होता है, सेंसर का तीनों पिन होता है, ये सप्लाई का गड़बड़ हो सकता है, सप्लाई मिसिंग हो सकता है, रॉन्ग सप्लाई हो सकता है, और ये खुद सेंसर खराब हो सकता है। तो इसीलिए आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि आप ये सेंसर को इस तरह रखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन साइड सप्लाई पिन, कौन सा नेगेटिव पिन ये होता है। तो इतना कुछ आपको देखाएगा तो आपको दिमाग थोड़ा बिगड़ जाएगा न्यू टेक्नीशियन को। तो इसीलिए मैं एक थोड़ा सा एक ये सर्किट बनाया, ये पुराना पीसीबी से लेके सर्किट बनाया, और ये सर्किट का जो देखिए मैं तीनों वायर कनेक्शन किया, ये जो रेड ये सप्लाई का, और ये जो ब्लैक ये नेगेटिव का, और ये जो ग्रीन वायर ये आईआर का, ठीक है। तो ये सर्किट से आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए अब सेंसर को इस तरह पकड़ेगा तो इसका मिडिल पिन ये नेगेटिव होता है, और इसका बाएं साइड जो पिन है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो बाएं साइड पिन का कनेक्शन देखिए, अब ध्यान से देखिए ये बाएं साइड पिन किधर है, देखिए ये मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है, और मिडिल पिन देखिए इसका ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन मतलब ये आईआर का। तो दोस्तों इस तरह आप सेंसर को पकड़ेगा तो इसका बाएं साइड ये आईआर का पॉइंट है। आपको अच्छा करके मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये जो पॉइंट है ये आईआर का, और मिडिल नेगेटिव, ठीक है, और इसका राइट साइड देखिए, इसका राइट साइड जो पॉइंट है, अब ध्यान दीजिए ये राइट साइड पॉइंट का जो कनेक्शन मैं किया, ये देखिए ये राइट साइड पॉइंट का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये रेड वायर मैं कनेक्शन किया, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, ये नेगेटिव और ये आईआर का, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम में ये आईआर को मैं कनेक्शन करूँगा, तो आप ओनली एक आईआर भी कनेक्शन करके देख सकते हो। तो मैं ये क्यों बना के रखा है, क्योंकि मेरा पास बहुत पीसीबी आता है रिपेयर करने के लिए, और वो सेंसर भी ओपन करके लेके आता है, तो उसी टाइम मैं ये कनेक्शन करके मैं सभी पीसीबी टेस्ट करता हूँ। तो इसी टाइम मैं क्या करूँगा, ये जो जैक है ये जैक को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ओपन कर दिया, और यहाँ पर प्रिंट है, ठीक है, ये आईआर का। तो मैं ये ग्रीन वायर देखिए आईआर पॉइंट पर कनेक्शन कर देता हूँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और इसका मिडिल पिन सप्लाई पिन है, यहाँ पर मैं रेड वायर कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये साइड ये नेगेटिव है, तो इसलिए मैं ब्लैक वायर कनेक्शन कर देता हूँ। ये कनेक्शन किया, ये सिंपल सा कनेक्शन है, आपको ओनली आईआर सेंसर भी कनेक्शन कर सकते हो इस तरह। तो देखिए इसके बाद चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम ये रिमोट लेके मैं आपको देखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए मीटर पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये मीटर पर आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इसी टाइम आपको
ये जो आईआर पॉइंट है, ये आईआर पॉइंट पर टच किया, यहाँ पर वोल्ट देखिए 4.59 इस तरह वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। और देखिए मैं रिमोट दबाता हूँ इसी टाइम, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए, 4.5 वोल्ट का आसपास से फ्रैक्चुरेट हो रहा है। और रिमोट का मेनू मोड मैं दबाता हूँ, अब मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए जब मीटर पर मैं देखिए मैं मेनू बटन जब दबाता हूँ वोल्टेज कितना डाउन हो जाता है, आप देखिए 4.5 वोल्ट के आसपास ही हो जाता है, देखिए देखिए। मैं मीटर रिमोट को छोड़ दिया और मैं मेनू मोटर दबा के आपको दिखाता हूँ, देखिए 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 3.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट का इस तरह भी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह जब डाउन होगा तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि सेंसर ओके है, ठीक है। तो सेंसर ओके है और फर्स्ट आपको जो दिखाया कि उस सेंसर भी फॉल्ट हो सकता है और सप्लाई लाइन का कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, जो प्लस सप्लाई और जो आईआर कनेक्शन ये भी उल्टा हो सकता है। तो चलिए उसका बाद रिमोट जो मैं दावा का आपको दिखाता हूँ, ये रिमोट या पर सेंसर, ये जो इसका जो आईआर सेंसर ये कैच करता है, इसका जो इंफ्रारेड को ये कैच करता है, और उसका बाद स्क्रीन पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेसर ऐसे खड़ा है। क्या बात है आपको, अभी तो ये आईआर पॉइंट कम कर रहा है मीटर पर, ये दिखा जाता है, उसका बाद तब भी स्क्रीन पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये प्रोसेसर ऐसी खराब है। और उसका पहले ये जो लाइन जाता है, ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ये जो आईसी का 63 नंबर पिन, ठीक है, यह पर जिस पॉइंट पर आईसी का आईआर सिग्नल जाता है ये पिन पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा। चलिए मैं दोबारा कन्फर्म करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं मेनू बटन दबाता हूँ, मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए अब मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, देखिए 4.5 वोल्ट से नीचे भी चला जाता है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो आईसी तक सिग्नल ये जा रहा है और उसके बाद स्क्रीन पर मेनू जो चार्ट कुछ भी आप दबाने के बाद स्क्रीन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो प्रोसेसर ऐसी खराब है। तो चलिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए और इसका साथ मैं रिमोट दबा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, मैं मेनू बटन दबाता हूँ, देखिए मेनू बटन दबाने के बाद देखिए ये सब कुछ ओके काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा, देखिए इसका एक्चुअली फॉल्ट क्या है। तो मैं सप्लाई को अप कर देता हूँ, अप करने के बाद ये मैं हटाता हूँ, ये हटाया और ये जो पॉइंट ये कनेक्शन किया कि अलग पीसीबी पर ये ओके कनेक्शन हो जाता है लेकिन ये दूसरा पीसीबी का, तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका जो सप्लाई लाइन ये जो पॉइंट जाता है तो इसी तरह इसका कनेक्शन है, तो इसी तरह इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों इसका ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वायर को आपको अच्छा करके चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो साइड जाता है, ये जो राइट साइड का पॉइंट है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है कि नहीं है। देखिए ये जो राइट साइड का पॉइंट है ये इस तरह इधर आता है, देखिए ये जो मिडिल पिन पर आता है, ठीक है, ये मिडिल पिन क्या है, ये देखिए ये मिडिल पिन हर टाइम ये नेगेटिव होता है ये सेंसर का। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत कुछ टाइप सेंसर देखा जाता है उसका मिडिल पिन नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये चाइना पीसीबी के अंदर जो सेंसर देखा जाता है इसका मिडिल पिन नेगेटिव है। तो इसका नेगेटिव कनेक्शन ओके है, तो क्या देखा है, इसका नेगेटिव कनेक्शन ये ओके है। तो बाद में ये दो वायर है, जरूर ये दो वायर उल्टा हो सकता है, तो फर्स्ट ये दो वायर को इधर उधर करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो किस तरह, देखिए आसान तरीका आपको दिखाता हूँ, ये दो पॉइंट को मैं बाहर निकालता हूँ, देखिए ये तो नेगेटिव हो गया और उसके बाद ये साइड दो पॉइंट को मैं बाहर करूँगा इसी तरह, देखिए ये टेस्ट इस तरह करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी वायर को काट छिट करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पॉइंट को मैं ये साइड सिर्फ इधर उधर कर देता हूँ, करने के बाद एक बार ट्राई करूँगा कि रिमोट काम करेगा कि नहीं, और काम नहीं करेगा तो लास्ट सेंसर को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा ये मॉडिफाई किया और चलिए ये पॉइंट को मैं यहाँ पर
लगाता हूँ। ठीक है, ये लगाया और ये सेंसर को मैं ये साइड रखता हूँ, आपका सामने ही मैं रखता हूँ। ठीक है, सेंसर को मैं ये साइड रखा है, चलिए मैं इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए मैं ये साइड रखा है, सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और इसी टाइम आप चलिए मीटर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दोबारा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आईआर पॉइंट है, यहाँ पर मैं टच किया, वोल्टेज देखिए 4.78 वोल्ट के आसपास ये देखा जाता है। और रिमोट का मैं मेनू बटन दबाता हूँ, देखिए मेनू बटन दबाने के बाद देखिए ये 4.8 वोल्ट है, और ये दबाने के बाद देखिए, देखिए आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, 3.5 वोल्ट के आसपास ये चला जाता है। देखिए ठीक है, तो लगता है जरूर स्क्रीन काम करेगा स्क्रीन के अंदर। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए और मैं मेनू बटन दबाता हूँ। देखिए मेनू बटन दबा ये काम करने लगता है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दो पॉइंट है ये की का पॉइंट है। ठीक है, तो की तो मैं ओपन करके रखा है, तो कुछ भी रीजन से ये की का जो कनेक्शन होता है कुछ भी बॉटम शॉर्ट हो जाएगा तो, ठीक है, की का जो बॉटम ये पैनल पीसी मेन पीसीबी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और वायर कनेक्शन होगा तो फर्स्ट वायर को आप ओपन करके टेस्ट कीजिए, क्योंकि बॉटम स्विच जो होता है वो शॉर्ट होने के बाद भी अधिक टाइम रिमोट काम नहीं करेगा और उल्टा उल्टा फुल्टा काम करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैक होगा तो जैक को ओपन करके टेस्ट कीजिए, और पीसीबी के अंदर जो स्विच देखा जाता है, माइक्रो स्विच देखा जाता है, वो शॉर्ट होने के बाद भी रिमोट दबाने के बाद, मान लो आप मेनू दबाते हो, मेनू दबाया और उसका चैनल चेंज हो गया, आप वॉल्यूम प्लस दबाया मान लो मेनू आ गया, मान लो मेनू दबाया ए भी मोड पर चला गया, इस तरह जब देखा जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो बॉटम स्विच होता है माइक्रो स्विच वो शॉर्ट हो सकता है। वो सभी स्विच को एक एक ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए।